दोस्तों फेसबुक तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, और दोस्तों अगर एक बार स्क्रॉल करना स्टार्ट करते होंगे खासकर ये फेसबुक वॉच पेज को, तो भाई स्क्रॉल करते ही जाते होंगे तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अब इसका दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है, नहीं नहीं ये नहीं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने का। शाबाश बेटा, धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको बचाना तो मेरा धर्म है। और दोस्तों इस धर्म को याद रखते हुए एक चीज याद रखिएगा कि जिस भी कारण से आप डिलीट कर रहे हैं फेसबुक अकाउंट को, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि लोग भी उस कारण से बच के रहें। और दोस्तों साथ में याद रखिए कि अकाउंट डिलीट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दोस्तों फेसबुक नहीं चाहता कि आप लोग डिलीट कर पाएं अपने अकाउंट को। अब दोस्तों रोइए मत, मायूस मत होइए, अब तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि कैसे आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे तीन या चार तरीके हैं, और मैं तीनों या चारों तरीकों का आपको संक्षिप्त में विवरण दूंगा। तो दोस्तों डिटेल में अगर बताऊँ तो फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के यहाँ पे तीन तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका ये है कि जिस भी फ़ोन पे हैं आप, बीट एंड्रॉयड iOS, लगभग सब में एक ही सेटिंग के ऊपर आपको जाना है, और उस सेटिंग का नाम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको अपनी फेसबुक ऐप खोलनी है, हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरफेस हर एक जगह आपको डिफरेंट मिले, पर दोस्तों आपको जाना है अपने प्रोफाइल पेज पे। आपको अपनी प्रोफाइल फोटो पे जैसे क्लिक करेंगे वो मेन्यू आ जाता है बेसिकली, और ऐसा कुछ आपको मेन्यू दिखेगा। और दोस्तों मेन्यू दिखेगा, अगर आपको ऐसा मेन्यू नहीं दिख रहा हो तो वेट कीजिएगा, मैं सेकेंड वे जो बताऊँगा उसमें आपको 100% वैसा तरीका दिखेगा। तो जिस जिसको ऐसा दिख रहा है उसको अपने इस वाले पेज पे सेटिंग्स का ऑप्शन ढूंढना है। तो दोस्तों हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन टॉप पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों अब कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मेन्यू आ रहा होगा और कुछ लोगों के लिए मेन्यू डिफरेंट आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपका मेन्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं दूसरे या तीसरे तरीके में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे अपना अकाउंट डिलीट करना है फेसबुक का। तो दोस्तों जिस जिसको यहाँ पे ये वाला मेन्यू आ रहा है उसको यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों एक्सेस कंट्रोल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, डीएक्टिवेशन और डिलीशन। और दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे डिलीशन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों याद रहे कि डिलीशन जो है आपका इमीडिएट बेसिस पे नहीं होता, वो उसको 30 दिन लगते हैं डिलीट होने में, वेयर एज डीएक्टिवेट होने में आपका इमीडिएट बेसिस पे डीएक्टिवेट हो जाता है, और लोगों को आपकी फोटोज एंड प्रोफाइल फोटोज दिखनी बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना अकाउंट डिलीट करना है, आप सोच ही चुके हैं, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपसे पूछेगा भाई कौन सा अकाउंट डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट है एक ही अकाउंट के साथ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी को भी एक को क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। और दोस्तों जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि बिफोर यू डिलीट यू मे बी एबल टू हेल्प, वी मे बी एबल टू हेल्प, मतलब वो कह रहे हैं हम लोग हेल्प करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, जैसा कि मैंने आपको पहला रीज़न बताया, किसी को प्राइवेसी कंसर्न है, इंडिया में किसी को नहीं होते, आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, तो भैया मुझे तो सेफ्टी का भी कोई डर नहीं है, माई अकाउंट वॉज हैक्ड, ये बहुत होता है। और दोस्तों आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल, दोस्तों ये भी बहुत बार होता है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी कारण है, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा और आपका अकाउंट 100% डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला तरीका। अब दोस्तों दूसरा तरीका बताते हैं आपको फटाफट से। तो दोस्तों दूसरा तरीका फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने का क्या है, कि आपको जाना है facebook.com पे, अपने फ़ोन के अंदर facebook.com खोलिए किसी भी ब्राउज़र के अंदर। और दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा facebook.com करके खुलेगा, और दोस्तों याद रखिएगा जिसको पहले वाले सॉल्यूशन में वर्क नहीं करा उसको अपनी ऐप में इस सॉल्यूशन से भी आपका ऐप के थ्रू भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगेन आपको मेन्यू बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मेन्यू बटन है ऊपर, और दोस्तों मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ फेसबुक ऐप के अंदर आपको ऐसा मेन्यू दिख रहा होगा और कुछ के अंदर आपको पहले वाला दिखता है। तो दोस्तों आपको अपने सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, एंड दोस्तों सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अब मैक्सिमम लोगों को आजकल जो नए यूजर्स हैं उन सबको आजकल इस टाइप का मेन्यू मिलता है अपने फेसबुक सेटिंग्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब जिनको यहाँ पे ये वाला मेन्यू मिल रहा है उनके लिए बता देता हूँ कि उनको कहाँ जाना है। दोस्तों उनको यहाँ पे
एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपकी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि इन्फॉर्मेशन आपने डाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्च क्या किया है, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। पर दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है फर्स्ट स्टेप। एंड दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा एक्सेस कंट्रोल, और दोस्तों एक्सेस कंट्रोल के अंदर आपको अगेन वही सेम ऑप्शन मिलेंगे जो कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन में बताए थे। अगेन दोस्तों यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड दोस्तों आप लोग डिलीट कर पाएंगे। पर दोस्तों अगर आपका अभी भी डिलीट नहीं हो पाता तो भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसको भी सुन के जाइएगा। दोस्तों जिनको अभी भी नहीं मिल पाता ये डीएक्टिवेशन या डिलीशन का लॉजिक या फिर ऑप्शन, तो दोस्तों उनके लिए बड़ा आसान है। उनको क्या करना है, अपनी सेटिंग्स के मेन्यू में आना है, ऊपर सर्च बटन पे क्लिक करना है और दोस्तों सर्च कर लेना है। तो दोस्तों बेसिकली ये सर्च करेगा आपकी डिलीट सेटिंग को इन विद इन सेटिंग्स मेन्यू। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन आ गया है, तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्सेस कंट्रोल मिल जाएगा, और दोस्तों एक्सेस कंट्रोल के अंदर आपको सेम ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप यही एक्टिविटी अपनी फेसबुक ऐप पे भी कर सकते हैं करना चाहें तो, सेम ही चीज़ आपको अपने फेसबुक ऐप पे भी मिलेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे तीन तरीके। अब दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपका तब भी वर्क नहीं करता तो फेसबुक आपको ऑफिशियली एक गाइड प्रोवाइड करती है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों वो ये है जिसके अंदर उसने स्टेप बाय स्टेप सारे टाइप के डिवाइसेस के लिए स्टेप्स बना रखे हैं जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं टू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबक है।